नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर जाकर एक महिला फूट फूट कर रो पड़ी। महिला ने शहर कोतवाली भेजे हेड मुहर्रर के पद पर तैनात पुलिस कर्मी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत करने पर शहर कोतवाली पुलिस पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए। पीड़िता ने उत्पीड़न करने वाले आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जाट कॉलोनी निवासी महिला सीमा ने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर अपने उत्पीड़न की दास्ता सुनाई है। फिलहाल आश्वासन मिला है। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। वो शहर कोतवाली में पुलिसकर्मियों का खाना बनाती थी, जहां उसकी मुलाकात शहर कोतवाल में हेड मुर्गर के पद पर तैनात एक पुलिसकर्मी से हुई, जिसका उत्पीड़न यहां किया गया है। यौन शोषण किया गया, जिससे परेशान होकर उसने अब न्याय की गुहार लगाई है। गुरसराय नगर में आज भारी बारिश की वजह से पालीवाल के बागीचा के पास रहने वाली मीरा देवी प्रजापति पति स्वर्गीय सूर्य प्रजापति, जो अपनी 4 बेटियों के साथ एक कच्चे मकान में निवास करती थी, भारी बारिश होने की वजह से उनका मकान गिर गया और पानी मकान के अंदर घुस आया, जिसमें रखे हुए खाने पीने की सारी वस्तु, दाल चावल गेहूं समस्त राशन पानी पूरी तरह से खराब हो गया है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वक्ती मार से जूझ रही मीरा देवी प्रजापति, जिनके पति का देहांत कोरोना में हो गया था, मीरा देवी ने नगर पालिका और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। झांसी में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा जनपद जलमग्न हो गया है। वीडियो में देखे कैसे जान जोखिम में डालकर स्कूल से घर मासूम जा रहे हैं। ये वीडियो गुरसराय ब्लॉक के गांव का बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। द्वारका के भाड़बड़ मार्केटिंग यार्ड में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की करंट लगने से मौत का वीडियो सामने आया है। करंट लगने के कारण एक युवक बिजली के खंभे से चिपक गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक का नाम ध्रुविल बताया जा रहा है। सितारगंज में बृहस्पतिवार को जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसे ने कोतवाली में हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 अगस्त को शक्ति फार्म बैकनपुर निवासी फटिक बाला पुत्र ब्रिजवासी बाला ने थाने पर लिखी तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसका अखिल बाला उर्फ भोला का सुबह से पास के खेत में काम करने गया था, जो बुधवार की बीती रात महानंद तालुकदार के घर के सामने अपने दोस्त सुशांत बढ़ई और जगदीश तालुकदार और 3-4 दोस्तों के साथ बैठा था। तभी गांव का रहने वाला नंदू सरकार पुत्र कालीपद सरकार निवासी शक्ति फार्म में उसके भाई के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर नंदू सरकार ने कसी से उसके भाई के गले पर कई बार वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। जघन्य अपराधों में अपराधियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके निश्चित जगह जो सलाखों के पीछे भेजना पुलिस का एक महत्वपूर्ण और कोर काम रहता है। कल बीते देर रात को, मतलब आज सुबह के तड़के, मॉर्निंग बोल सकते हैं, मध्य रात्रि के टाइम को हमें सूचना मिली सितारगंज थाने में, मतलब फाटिक बाला करके एक व्यक्ति रहता है, शक्ति फार्म का निवासी। उसने ये बोला कि उसका भाई है अखिल बाला उर्फ भोला, वो भी शक्ति फार्म का निवासी है जो मजदूरी का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने को रायवाला बाजार में एनएच और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कच्चे पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान रायवाला थाना गेट के समीप सड़क पर बनाए गए पुलिस चेक पोस्ट भी हटाए गए हैं। बृहस्पतिवार को ऋषिकेश के जिलाधिकारी सौरभ असवाल के नेतृत्व में हाईवे किनारे पर से अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कई अतिक्रमणकारियों ने दुकानों के आगे 3 शेड लगाकर पक्का निर्माण कर सड़क तक अतिक्रमण किया हुआ था। कई दुकानों के पक्के छज्जे सड़क पर निकले हुए थे। बीते दिनों रेहड़ी ठेले वालों पर पुलिस की चालानी कार्रवाई के विरोध में 21 जुलाई को थाने पहुंचे ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने पुलिस के खुद के अतिक्रमण पर सवाल उठाए थे। चेकपोस्ट की आड़ में आसपास कई स्थायी दुकानों का निर्माण हो गया था। कार्रवाई के दौरान इनको भी ध्वस्त कर दिया गया। बृहस्पतिवार को कई रसूखदारों के अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वैदिक नगर के आसपास और रेलवे की लीलाबेरी स्काउट गाइड ट्रेनिंग सेंटर के पास हाईवे पर भी बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे अवैध निर्माण बरसा हुआ है। अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने को सहायक पुलिस अधीक्षक और रायवाला थाना प्रभारी जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुरक्षण प्रबंधक राघवेंद्र गुप्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के अनुपालन से हाईवे से अतिक्रमण हटाया गया है। केदारनाथ धाम के आधार शिविर गौरीकुंड के समीप डॉट पुलिया के पास देर रात को हुई भारी बारिश और ऊपर से बोल्डर गिरने से 2 दुकानों और 3 सेट बह गया। अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और सभी रेस्क्यू टीम में मौके पर उपस्थित हैं, जिसमें DDRF, NDRF, SDRF, YMF, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, मुख्यमठ मौके पर मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि 10 से 12 व्यक्तियों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए सर्च रेस्क्यू लगातार जारी है। झांसी के गुरसरायगंज में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आवागमन से लेकर लोगों के घरों में पानी घुस जाने से बड़े पैमाने पर लोगों की गृहस्थी खराब हो रही है। दुकानदारों की दुकानों में पानी भर जाने से उनका सामान पूरी तरह से खराब हो रहा है। इसी को देखते हुए विधायक जवाहरलाल राजपूत खुद कस्बे के मुख्य बाजार और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने भ्रमण किया।
वहीं जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एडीएम राजस्व और आपदा प्रबंधन को गुड़सराय राजस्व विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से बनाकर तुरंत मौके पर सर्वे करने और आपदा की इस घड़ी से युद्ध स्तर पर कैसे निपटा जा सके। 3 अगस्त को गुरुवार देर शाम तक जहां बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने की रणनीति बनाई। इस दौरान क्षेत्र विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कस्बे के जागरूक लोगों पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सभी के सहयोग और वास्तविक स्थिति का आंकलन करके जल्द से जल्द यहां पर आपदा प्रबंधन लोगों द्वारा राहत दिलाने का कोशिश लगातार की जा रही है। कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। महाराजगंज में कार की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल भेजा है। गंभीर हालत में डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम सिरौली के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में विवेचना कर लौट रहे सब इंस्पेक्टर की घात लगाया गया तो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल दारोगा को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। पूरा मामला गांव चंदपुरा के समीप का है। गुरुवार की देर शाम करीब 8:30 बजे गांव चंदपुरा के समीप दिनेश चंद मिश्रा नामक सब इंस्पेक्टर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। सब इंस्पेक्टर के गर्दन के पास गोली लगने से वो घायल हो गए। घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। देखिए, आज शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना अराव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटूइंग ब्लैकनिंग भी है। आगरा की हरिपर्वत पुलिस और एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के पालीवाल पार्क में 50,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आशु उर्फ आशीष गिहार बदमाश गिरफ्तार हुआ है। आगरा पुलिस का 50,000 का नामी और लगभग 1 दर्जन मुकदमों में नामजद है आशु उर्फ आशीष गिहार। मुठभेड़ के दौरान आशु बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इलाज के दौरान उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पालीवाल पार्क के समीप थाना हरिपर्वत पुलिस और एसओजी के द्वारा सख्त चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आशु उर्फ आशीष गिहार, जो 50,000 का इनामी अभियुक्त है, इस पर चोरी व लूट के तकरीबन 12 मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि इस क्षेत्र से कुछ ही देर में उक्त अभियुक्त गुजरने वाला है। इस सूचना के आधार पर सभी टीमें चौकस रहते हुए चेकिंग कर रही थी। बांदा में ग्रामीणों और सचिव के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र घोषित होने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित थे। ग्रामीणों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बोले, पैसे लेकर पात्रों को अपात्र का फैसला करते हैं। तो सचिव के ऊपर लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए। सचिव ने थाने में मारपीट करने वाले लोगों के ऊपर FIR लिखवाई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वायरल वीडियो अत्रा तहसील के तुर्रा गांव का बताया जा रहा है। आज दिनांक 2 अगस्त 2023 को थाना क्षेत्र बदौसा अंतर्गत ग्राम तुर्रा में ग्राम सचिव द्वारा PM आवास योजना लाभार्थियों का सर्वे किया जा रहा था। उसी दौरान 3 व्यक्तियों द्वारा PM आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए ग्राम सचिव की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन से ऑटो द्वारा अपने घर जा रही एक महिला को 5 युवकों ने अगवा कर गैंगरेप किया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हो गया। गीडा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौसड़ स्थित अमृतानी में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में स्टेशन से ऑटो द्वारा अपने घर जा रही थी। इस दौरान 5 युवकों ने ऑटो रोका और महिला को जबरन अगवा कर लिया। पास स्थित अमरूद के बाग में ले गए, जहां 5 ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और महिला के बेहोश होने पर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अभियुक्त की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त घायल हो गया है, जिसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में SI सर्वे शुरू हो गया है। वादिन महिलाएं और अधिवक्ता ज्ञानवापी पहुंचे हुए SI सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष में उत्साह दिखाए। SI सर्वे से ज्ञानवापी का सच सामने आएगा, हिंदू पक्ष लगातार कह रहे हैं। सर्वे को लेकर वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्ञानवापी क्षेत्रों को शावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैदागिन से लेकर गोदोलियों तक 9 व्हीकल जोन बनाए गए हैं।
पीलीभीत संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश का सेंटर बनाया गया है। पहली बार पीलीभीत जिले में सुमन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सेंटर बनाया गया। प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त तक चलेगी। 152 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। 3 शिफ्टों में परीक्षा कराई जा रही है। एक शिफ्ट में तकरीबन 10 परीक्षार्थी भाग लेंगे। पीलीभीत के सुमन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ही पूरा मामला। हरदोई में 20 घंटे पहले नहर में एक युवक डूब गया था, अब तक उसका नहीं पता चला है। नाराज होकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। सुरसा थाना क्षेत्र के कमलौरी गांव के सैकड़ों लोगों में आक्रोश है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिलग्राम रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस पहुंचे। सीओ सिटी समझाने में लगे हुए हैं। अलीगढ़ के थाना टपल क्षेत्र के मोर गांव में अपने खेत पर खेत की सुरक्षा के लिए पेड़ लगा रहे लोगों को पीटा गया है। पुलिस को फोन करने के बावजूद भी दबंग लोग लगातार पीटते रहे, जिसमें 3 पुरुष 2 महिलाओं को चोटें आई हैं, जिनको मौके पर पहुंची पुलिस ने भर्ती कराया है अस्पताल में। ट्रीटमेंट के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देते हुए दबंग लोगों पर हथियारों की बट से पिटाई करने का आरोप लगाया, जिसकी तहरीर थाने में दे दी गई है। कासगंज पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कासगंज पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर परेड का मान प्रणाम स्वीकार कर परेड का निरीक्षण किया गया और जवानों को ड्रिल परेड का निरीक्षण किया गया, शस्त्रों का अभ्यास कराया गया। आपको बता दें कि वहीं इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने मेस का निरीक्षण किया और मेस की गुणवत्ता का जायजा लिया, साथ ही स्वच्छता गुणवत्ता को देखकर संतुष्टि व्यक्त की है। खबर गाजीपुर से, जहां सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में छत्तीसगढ़ के रहने वाले पति पत्नी शामिल है। पुलिस ने जांगीरपुर थाना क्षेत्र से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग नौकरी के नाम पर आधा दर्जन लोगों से करीब 25 लाख रुपए हड़प चुके थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार ठग अंकुश तिवारी, उसकी पत्नी मीता तिवारी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के थाना रोराबर इलाके की कोश्त वाली गली में शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मंदबुद्धि युवक का शव लावारिस हालत में गली के अंदर पड़ा मिला। मंदबुद्धि युवक का शव गली में पड़े हुए देख लोगों का हुजूम उमड़ गया, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। कोश्त वाली गली में युवक का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंदफानम इलाका थाना अध्यक्ष सहित पुलिस के उच्च अधिकारी लोग स्कैड टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करते हुए मृतक युवक की मौत का सही कारणों का पता लगाने के लिए उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा कि उसकी हत्या हुई है या फिर यह आंशिक मौत है। प्रिज़न डिस्चार्ज जांच में निकलकर सामने आया कि युवक मंदबुद्धि था और उसके किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर बारीकी के साथ जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी अवैध कब्जे से मुक्त जमीनों पर नेपियर ग्रास नाम के विशेष किस्म के हरे चारे के पौधों को रोपित किया गया है। आपको बता दें कि ये पौधे 10 से 15 वर्षों तक काटने के बाद सिंचाई होते ही उगते रहेंगे। जिले के सोलन ब्लॉक स्थित मटका गांव में BDO शशि कुमार ने पौधों को रोपित करते हुए बताया कि ये चारा गौशालाओं में जाएगा, जिसकी कीमत ग्राम सभा के खाते में गौशाला के जिम्मेदार भेजेंगे। सलोन ब्लॉक का ये पहला गाँव है जिसका विकास वन ग्राम योजना के तहत होने जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।